हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू रवि अदिति क्लासेस तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है हिस्टोरिकल बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं और अभी रिसेंटली ही जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको टोटल फिफ्टी फाइव करवाने वाली हूँ आप वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगी और नेक्स्ट पार्ट भी इसका जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा इससे आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो चलिए हमारा सेशन आज का स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र तो फ्रेंड्स पंचतंत्र पुस्तक जो है इसके राइटर कौन है राइट आंसर एक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विष्णु शर्मा तो विष्णु शर्मा जी द्वारा लिखी गई है पंचतंत्र पुस्तक साथ साथ में आपको इमेजेस भी शो करवाऊंगी ताकि आपको क्वेश्चंस और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रेम वाटिका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रसखान तो फ्रेंड्स रसखान की लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है प्रेम वाटिका नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेचुरल हिस्ट्री काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स नेचुरल हिस्ट्री जो बुक है ये किसने लिखी है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लिनी पिलनी, पिलनी द्वारा लिखी गई है ये बुक जिसका नाम है नेचुरल हिस्ट्री नेक्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धा चरितम राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अश्वघोष तो अश्वघोष द्वारा लिखी गई है बुक जिसका नाम है बुद्ध चरितम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कदंबरी तो कदंबरी के जो राइटर कौन है राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी भानभट तो भानभट द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है कादम्बरी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अमर कोश राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अमर सिंह अमर सिंह द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक जिसका नाम है अमर कोश नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द बुक शाहनामा राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी फिर दोसी तो फिर दोसी द्वारा लिखी गई है पुस्तक जिसका नाम है शाहनामा नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक साहित्य लहरी राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर तो लिखी है, ये पुस्तक जिसका नाम है साहित्य लहरी देख लेते हैं। है हमारा ऑथर ऑफ द बुक सूर सागर राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सूरदास ये भी पुस्तक सूरदास जी द्वारा लिखी गई है सूर सागर यहां से, से आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हो नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हुमायू नामा तो राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी गुलबदन बेगम गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है हुमायूं नामा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चित्रांगदा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर तो फ्रेंड्स रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुक गीतांजलि ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गार्नर तो गार्नर पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रविन्द्र टैगोर जी द्वारा नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हंगरी स्टोन्स तो राइट right आंसर है ऑप्शन नंबर डी नाथ टैगोर नाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है हंगरी स्टोन पुस्तक नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पोस्ट ऑफिस तो पोस्ट ऑफिस बुक जो है ये इसके राइटर कौन है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा रविंद्र नाथ टैगोर जी नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक भागवत गीता राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए तो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक जिसका नाम है भागवत गीता नेक्स्ट है हु इज द द ऑथर ऑफ बुक कामयानी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी गई है यह बुक कामयानी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एशियोन गीता राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष तो अरविंद घोष जी ने लिखी है ये पुस्तक जिसका नाम है एशेज ओन गीता नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अष्टध्याय राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए पानिनी तो पानिनी द्वारा लिखी गई है बुक अष्टध्याय नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र काफी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाणक्य चाणक्य द्वारा लिखी गई है पुस्तक अर्थशास्त्र नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं राइट आंसर right हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी मेगा स्नीज तो मेगा स्नीज ने लिखी है बुक इंडिका ऑफ जो ये बुक है ना इंडिका जिसे मेगा स्थिति ने लिखा है इस बुक में क्या है इस बुक में सोशियो कल्चर के बारे में लिखा गया है मोरेस साम्राज्य के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेघ धूत राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट right आंसर हो जाएगा कालिदास तो कालिदास जी ने लिखी है पुस्तक जिसका नाम है मेघधूत नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गीत गोविंद राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जयदेवा तो जयदेवा ने लिखी है ये बुक गीत गोविंद फ्रेंड्स एग्जाम में आपको बुक का नाम और राइटर का नाम ही पूछा जाएगा इसलिए मैंने आपको डीपली कुछ भी नहीं बताया है क्योंकि उससे टाइम वेस्ट करने वाली बात ही है तो सीधे आपको बुक का नाम पता होना चाहिए और उस बुक के राइटर का नाम पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पदमावत राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मलिक मोहम्मद जैसी तो मलिक मोहम्मद जैसी जो हैं है, है. है, है, right है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए फजल तो फजल जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक आईने अकबरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर ऑफ द बुक अकबरनामा इंपॉर्टेंट है ये भी राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अबुल फजल अबुल फजल जी द्वारा ही लिखी गई है यह भी बुक जिसका नाम है अकबर नामा नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बिजक राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कबीर दास तो कबीर दास जी की पुस्तक है ये जिसका नाम है बीजक नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गोदान राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद तो प्रेमचंद जी द्वारा रचित है ये पुस्तक जिसका नाम है गोदान नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक करम भूमि राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी प्रेमचंद तो प्रेमचंद जी ने लिखी है बुक जिसका नाम है करम भूमि नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गोल्डन थ्रेस होल्ड राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू सरोजनी नायडू जी ने लिखी है पुस्तक जिसका नाम है गोल्डन थ्रेस होल्डर नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई डेज राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर के नारायण तो फ्रेंड्स आर के नारायण जी की ये पुस्तक है जिसका नाम है माई डेज नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक देवदास राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है देवदास नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हिंदुइज्म राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए नीरज चंद्र चौधरी तो नीरज चंद्र चौधरी जो है इनके द्वारा लिखी गई है बुक हिंदुइज्म नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महाभारत राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास तो वेद व्यास जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है महाभारत नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इटरनल इंडिया राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक जिसका नाम है इटर्नल इंडिया नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आंसू राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद नेक्स्ट है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया फिलोसफी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक इंडियन फिलोसफी नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रघुवंश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कालिदास तो कालिदास जी द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक रघुवंश नेक्स्ट की ओर देख लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कूली राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुलक राज तो मुलक राज जो है ये ऑथर है किसके कूली बुक के नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द जजमेंट तो द जजमेंट बुक को किसने लिखा है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुलदीप नैयर जी ने लिखा है द जजमेंट पुस्तक को नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया आफ्टर नेहरू राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी कुलदीप नैयर इस पुस्तक को भी कुलदीप नैयर जी ने लिखा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गबन राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रेमचंद प्रेमचंद जी की पुस्तक है गबन नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालगुड़ी डेज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर के नारायण नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण जी आर के नारायण जी की पुस्तक है जिसका नाम है गाइड हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सेतुबंद राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए परवरसेन द्वितीय नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मृच कट्टी कम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुद्रक तो शूद्र का द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक मिशकटी कम नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कामसूत्र राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वात् द्वारा लिखी गई है यह बुक जिसका नाम है कामसूत्र नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया विंस फ्रीडम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद जी द्वारा लिखी गई है पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेली नोवेल तो डेली नॉवेल पुस्तक के लेखक कौन है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा खुशवंत सिंह नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हितोपदेश राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नारायण पंडित जी द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक हितोपदेश नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए चाणक्य हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हर्ष चरित्र राइट आंसर right हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बान द्वारा लिखी गई है पुस्तक हर्ष चरित्र नेक्स्ट है इज द द क्रिएशन ऑफ ऑफ फॉलोइंग तो जो है ये निम्नलिखित तो में से किसकी कृति है राइट right आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कबीर दास जी की नेक्स्ट है चारक संहिता इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग तो जो चारक संहिता थी उसका संबंध किससे है राइट right आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेडिकल लास्ट क्वेश्चन करें हैं हम अपनी आज की वीडियो का इसके बाद टू क्वेश्चन का टेस्ट है टू क्वेश्चन का टेस्ट आपने मुझे फ्रेंड्स देना है कंप्लीट वीडियो देखने के बाद ठीक है तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हुज वर्क इज ओडिसी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होमर तो होमर द्वारा लिखी गई है पुस्तक जिसका नाम क्या है ओडिसी तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने अपने 55 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो लेक्चर में उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे से आपको समझ आ गया होगा इमेजेस के थ्रू क्वेश्चंस का ठीक है अब टू क्वेश्चंस का टेस्ट है उस टेस्ट पार्ट को आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पंचतंत्र फोर ऑप्शन है आपके पास आंसर आपने कमेंट बॉक्स में राइट करके बताना है ठीक है और नेक्स्ट वीडियो आपको जिस भी टॉपिक पे चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो लेकर आऊँगी ठीक है और आपको वीडियो कैसी लगी है इस ये फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है क्योंकि फ्रेंड्स आपका फीडबैक ही है जो हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गीतांजलि फॉर ऑप्शन है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसी के साथ हमने आज की वीडियो अपनी कम्प्लीट कर ली है होप सो so, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे आपके एग्जाम के टाइम पे तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड विश ऑल दी वेरी बेस्ट